हेलो फ्रेंड्स, इमर्जिंग डोमेन इन इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग में आज का हमारा जो टॉपिक है ऑपरेशनल एम्पलीफायर में, एक टॉपिक है वर्चुअल ग्राउंड कॉन्सेप्ट। क्या है वर्चुअल ग्राउंड कॉन्सेप्ट? आइए ध्यान दीजिए, वर्चुअल ग्राउंड कॉन्सेप्ट, ठीक है, या वर्चुअल शॉर्ट कहते हैं, वर्चुअल ग्राउंड कॉन्सेप्ट, या इसको बोलते हैं वर्चुअल शॉर्ट, ठीक है, वर्चुअल ग्राउंड कॉन्सेप्ट या वर्चुअल शॉर्ट। वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर यूज होगा जब भी ये यूनिट हम पढ़ेंगे, ठीक है। तो आइए ध्यान दीजिए, हम जानते हैं कि ये कोई ऑपरेशनल एम्पलीफायर है। अभी मैंने बताया ये ऑपरेशनल एम्पलीफायर है। इस ऑपरेशनल एम्पलीफायर में ये टर्मिनल आपका नेगेटिव, ये टर्मिनल आपका पॉजिटिव हमने ले लिया। ये ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे ये वोल्टेज हमने ले लिया क्या, ये वोल्टेज हमने ले लिया बी टू, और यहाँ पे ये वोल्टेज हमने ले लिया बी वन। अब बी वन बी टू कैसे भी ले सकते हो, उसकी कोई दिक्कत नहीं है, आप केवल बी प्लस माइनस बी नेगेटिव समझिए, ठीक है। और ये देखिए यहाँ से आउटपुट ले रहे हैं बी आउटपुट, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये प्लस वीसीसी। पूरे ऑपरेशनल एम्पलीफायर में इसको मैं यूज करूंगा वीसीसी, और ये क्या है माइनस वीसीसी, ध्यान रखिएगा। और इसका जो डिफरेंशियल गेन क्या हमारे पास है एडी है, और यहाँ पे आपका वोल्टेज डिफरेंस आपका वीडी है, ठीक है। तो इन द आइडियल ओपीएम, आप जानते हैं इन द आइडियल ओपीएम, इन द आइडियल ओपियम, इन द आइडियल ऑपरेशनल एम्पलीफायर, आप जानते हैं कि बी आउटपुट इक्वल टू क्या होता है आपका ए डी इंटू क्या होता है बी डी, क्लियर, ए डी इक्वल टू बी डी। देखिए यहां से बी डी इक्वल टू हम लिख सकते हैं बी आउटपुट बाय क्या लिख सकते हैं AD. लेकिन बट वी नो दैट, ये देखिए बट वी नो दैट AD इक्वल टू क्या होता है इनफाइनाइट। अभी मैंने बताया आइडियल ऑपरेशनल एम्पलीफायर के लिए जब AD इनफाइनाइट पुट करोगे तो हमारा जो VD है वे VD क्या हो जाएगा, बी आउटपुट बाई ये क्या हो जाएगा इनफाइनाइट टेंस टू क्या हो जाएगा जीरो। तो हमारा जो VD है ये क्या हो जाएगा जीरो हो जाएगा, ठीक है, VD क्या हो जाएगा जीरो। VD मींस है क्या, VD है आपका ये देखिए VD जो है ये है B प्लस माइनस B नेगेटिव, ठीक है। तो ये वैल्यू इक्वल टू क्या होनी चाहिए जीरो, तो यहां से कंडीशन आ गई बी प्लस इक्वल टू क्या हो जाएगा बी नेगेटिव। तो ये देखिए वर्चुअली ये ग्राउंड है जिसको कहते हैं वर्चुअल ग्राउंड कॉन्सेप्ट। अगर ये ग्राउंड हुआ तो ये भी ग्राउंड हो जाएगा, देखिए ना बी नेगेटिव का वोल्टेज, अगर बी प्लस जीरो हो गया तो बी नेगेटिव भी जीरो हो जाएगा, अगर बी प्लस टू वोल्ट है तो बी नेगेटिव भी टू वोल्ट हो जाएगा। तो वर्चुअली एक तरह से शॉर्ट सर्किट है, शॉर्ट सर्किट में तो करंट फ्लो करती है लेकिन यहाँ पे डिफरेंट है। अरे भाई देखिए आप कोई सर्किट लेते हैं इस तरह से और ये शॉर्ट सर्किट कर दिए, शॉर्ट सर्किट है देखिए आपने कर दिया लेकिन इसमें करंट फ्लो होगी, लेकिन यहाँ पे शॉर्ट सर्किट तो वर्चुअली शॉर्ट है, इसमें करंट फ्लो नहीं करेगी, दोनों का मीनिंग डिफरेंस है, दोनों में डिफरेंस क्या है, यहाँ पे वर्चुअली शॉर्ट तो है लेकिन उसमें करंट नहीं फ्लो कर रही है, ठीक है, केवल ये इसके वोल्टेज के बराबर होगा। और वो क्यों बराबर है, क्योंकि आइडियल ऑपरेशनल एम्पलीफायर का गेन क्या है इनफाइनाइट। अगर गेन आप फाइनाइट लेंगे तो ये वर्चुअली ग्राउंड वर्चुअल ग्राउंड कॉन्सेप्ट यूज नहीं कर सकते आप, ठीक है। तो मेरी बात आप समझ में आया होगा। आप देखिए इसमें इसको केस वन ले रहा हूं, ये देखिए इफ केस फर्स्ट और इफ B प्लस इक्वल टू जीरो वोल्ट, B प्लस इक्वल टू जीरो वोल्ट अगर मैं लूं
ये देखो बी प्लस इक्वल टू जीरो वोल्ट दूंगा, ये नेगेटिव हो गया, ये प्लस हो गया। बी प्लस इक्वल टू जीरो वोल्ट मतलब ये देखिए ग्राउंड कर दिया मैं, ये देखिए यहाँ पे बी नेगेटिव है तो ये भी क्या हो जाएगा वर्चुअली ये भी ग्राउंड हो जाएगा, ठीक है, वर्चुअली ये भी ग्राउंड होगा, इसीलिए इसका दूसरा नाम है वर्चुअल ग्राउंड कॉन्सेप्ट, वर्चुअल शॉर्ट कह सकते हो या वर्चुअल ग्राउंड कॉन्सेप्ट कह सकते हो। देखिए जो वोल्टेज यहाँ पे वही वोल्टेज यहाँ पे होगा, लेकिन इसमें करंट फ्लो नहीं करेंगे, वर्चुअली शॉर्ट का मतलब इस तरह से करंट फ्लो होनी है, वर्चुअल शॉर्ट जैसे हम करते हैं कोई भी हमने वोल्टेज शॉर्ट सर्किट करते हैं तो उसमें करंट फ्लो होने लगती है, लेकिन यहाँ पे करंट नहीं फ्लो हो रही है। देखिए यही वोल्टेज यहाँ पे, यही वोल्टेज यहाँ पे, लेकिन ये क्या है इसमें करंट नहीं फ्लो करेगी क्योंकि इसके एक्रॉस इनपुट रेजिस्टेंस क्या है इनफाइनाइट है, वेरी लार्ज रेजिस्टेंस है, तो ये ओपन सर्किट की तरह बिहेव कर रहा है और इसके गेन इनफाइनाइट होने की वजह से ये हम कंडीशन लगा पा रहे हैं, अदरवाइज नहीं लगा पाएंगे, क्लियर। अगर इसका गेन फाइनाइट होता, इसका गेन फाइनाइट होता तो ये वर्चुअल ग्राउंड कॉन्सेप्ट हम यूज नहीं कर पाते, वर्चुअल शॉर्ट हम यूज नहीं कर पाते, ठीक है। तो इसी तरह केस सेकंड में हमने लिया, केस सेकंड हमने क्या किया, देखिए केस सेकंड में किया कि इफ बी प्लस इक्वल टू आपका के वोल्ट हमने ले लिया, क्या ले लिया के वोल्ट, देन वी नेगेटिव या आपका वी नेगेटिव या बीपी कह दीजिए, ये क्या हो जाएगा के वोल्ट हो जाएगा, ठीक है। तो देखिए इसको ग्राउंड वर्चुअल ग्राउंड नहीं बोल सकते, लेकिन हम जनरली हर बुक में इसको वर्चुअल ग्राउंड ग्राउंड कॉन्सेप्ट ही बोलते हैं। तो अगर मान लीजिए यहाँ पे देखिए प्लस माइनस यहाँ पे के वोल्ट है, ये ग्राउंड हमने कर दिया, तो ये देखिए यहाँ पे प्लस माइनस अगर के वोल्ट है तो यहाँ भी क्या होगा के वोल्ट होगा, ठीक है। तो ये देखिए आपका जो यहाँ पे जो वोल्टेज होगा, यहाँ पे जो वोल्टेज होगा वही वोल्टेज यहाँ पे होगा, क्लियर। तो ये नोट कर लीजिएगा, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है और वर्चुअल ग्राउंड कॉन्सेप्ट या वर्चुअल शॉर्ट कॉन्सेप्ट। अच्छा ध्यान दीजिएगा, मैं आपको और एक चीज बताता हूँ, आप लोग इतने तक रखिएगा, फर्स्ट ईयर कोर्सेस में इतने तक कंप्लीट है, लेकिन जो लोग और जानना चाहते हैं इसमें मैं एक बताता हूँ, जब इसका गेन फाइनाइट होगा तो आप वर्चुअल ग्राउंड कॉन्सेप्ट यूज नहीं कर सकते हैं। क्यों नहीं यूज कर सकते, अगर ये फाइनाइट वैल्यू होगी तो ये वीडी टेंस टू जीरो को नहीं जाएगा, वीडी टेंस टू जीरो नहीं होगा तो यहाँ का वोल्टेज डिफरेंट होगा, मेरी बात समझिएगा ध्यान से, ठीक है। तो केस वन समरी इसका मैं दे रहा हूं वर्चुअल ग्राउंड कॉन्सेप्ट में, कि अगर इसका गेन ऑपरेशनल एम्पलीफायर का गेन फाइनाइट है तो आप वर्चुअल ग्राउंड कॉन्सेप्ट यूज नहीं कर सकते, ठीक है। फिर इसके बाद दूसरा कॉन्सेप्ट और समझिएगा इसमें, अगर इसके दो पावर सप्लाई है प्लस बीसीसी और माइनस बीसीसी है, ध्यान से समझिएगा, जब मैं इसकी ट्रांसफर कैरेक्टरिस्टिक एक्सप्लेन किया हूं आप लोग उस वाले लेक्चर को देखिएगा, ट्रांसफर कैरेक्टरिस्टिक में मैंने बताया था कि जो हमारा ऑपरेशनल एम्पलीफायर है वो दो रीजन में वर्क करता है, आपका लीनियर रीजन में एंड नॉन लीनियर रीजन में। ये देखिए ये लीनियर रीजन में बनाया और यहाँ पे ये नॉन लीनियर हो गया, इधर भी देखिए ये आपका नॉन लीनियर रीजन हो गया। तो ये देखिए एक पर्टिकुलर वोल्टेज के बाद ये आपका नॉन लीनियर रीजन में चला गया, ठीक है, नॉन लीनियर रीजन में चला गया। तो मेरी बात समझिएगा, वर्चुअल ग्राउंड कॉन्सेप्ट क्या है मैं कैसे बता दिया, या वर्चुअल शॉर्ट क्या है मैंने क्लियर किया। फिर मैंने बताया केस वन, अरे स्टेप वन समझिए, जो आपको अच्छे क्वेश्चन के लिए कंपटीशन पॉइंट ऑफ व्यू से ये इंपॉर्टेंट है, एकेटिव पॉइंट ऑफ व्यू से तो आपका इसी में काम चल जाएगा, इससे बाहर कोई क्वेश्चन नहीं आएगा, वर्चुअल ग्राउंड कॉन्सेप्ट लगेगा आपको, नोड एनालिसिस या केसीएल लगाएंगे और सारे क्वेश्चन हो जाएंगे, ठीक है। लेकिन कोई बहुत अच्छा क्वेश्चन बनेगा तो इसमें अगर इसकी वैल्यू फाइनाइट दे देगा तो आप वर्चुअल ग्राउंड कॉन्सेप्ट यूज नहीं कर सकते। पहला केस कंप्लीट हो गया, क्यों यूज नहीं कर सकते मैंने आपको बता दिया डिटेलिंग, ठीक है। फिर इसके बाद मैंने दूसरा बताया कि अगर हमारा जो ऑपरेशनल एम्पलीफायर है आपका नॉन लीनियर रीजन में है, नॉन लीनियर रीजन ये समझिए, ये नॉन लीनियर रीजन है एंड ये नॉन लीनियर रीजन है, नॉन लीनियर रीजन में है तब भी आपका वर्चुअल ग्राउंड कॉन्सेप्ट यूज नहीं कर सकते, तब आपका जो ऑपरेशनल एम्पलीफायर है एक कंपैरेटर की तरह बिहेव करेगा, क्या किस तरह बिहेव करेगा, कंपैरेटर की तरह बिहेव करेगा। तो या तो प्लस वीसीसी होगा, ये ध्यान दीजिएगा, या तो प्लस वीसीसी होगा या तो माइनस वीसीसी होगा उसका आउटपुट,
ठीक है, तब भी वर्चुअल ग्राउंड कॉन्सेप्ट आप यूज नहीं कर सकते। केस नंबर टू हो गया, तो केस वन हो गया कि आपका अगर ऑपरेशनल एम्पलीफायर का गेन फाइनाइट है, गेन फाइनाइट है, तब भी आप वर्चुअल ग्राउंड कॉन्सेप्ट नहीं यूज कर सकते। अगर इसका आपका जो आपका ऑपरेशनल एम्पलीफायर है नॉन लीनियर रीजन में है, नॉन लीनियर रीजन देखो ये बताए हैं या सेचुरेशन रीजन में है, तब भी आप इसमें वर्चुअल ग्राउंड कॉन्सेप्ट नहीं यूज कर सकते। थर्ड पोजीशन जो आप लोग नहीं जानते हैं, इसको इसमें दो तरह के फीडबैक यूज करते हैं हम, नेगेटिव फीडबैक एंड पॉजिटिव फीडबैक। क्योंकि देखिए अगर ऑपरेशनल एम्पलीफायर में अगर हम कोई फीडबैक नहीं यूज करें तो ये सर्किट तो हमारे किसी काम की है नहीं। जो भी सिग्नल दोगे, जो सिग्नल दोगे इसका गेन इनफाइनाइट है, तो या तो प्लस वीसीसी आएगा या तो माइनस वीसीसी आएगा, जो मैं डिस्कस कर चुका हूं लेक्चर में। इस आईसी का अगर मुझे यूज करना है, इसको एम्पलीफायर की तरह वर्क करवाना है, इसको प्रैक्टिकल एप्लीकेशन हमें यूज करना है, तो अगर मैं इसका ओपन लूप ऑपरेशनल एम्पलीफायर में, ओपन लूप का मतलब हुआ देखो आउटपुट और इनपुट से कनेक्ट नहीं हुआ, अगर आउटपुट इनपुट से कनेक्ट हो जाता है तो आ जाता है कॉन्सेप्ट फीडबैक का। किसका कॉन्सेप्ट आ जाता है? फीडबैक। भाई जब भी कोई आप सामान खरीदते हैं तो आपने वो लिया, आउटपुट लिया, फिर उसके बाद रेस्पॉन्स देते हैं, तो आपका आउटपुट से जो इनपुट में देते हैं, जहां से आप ले आए हैं उसको देते हैं, कनेक्शन होता है, तो इसके बाद वो सिग्नल प्रोवाइड करता है, तो इसलिए इसको बोलते हैं फीडबैक। आपने फीडबैक दिया, ठीक है, तो जब भी आउटपुट से इनपुट में कोई भी एलिमेंट से, कोई भी सेंसर से, कोई भी आपका इंस्ट्रूमेंटेशन एम्पलीफायर से यहाँ पे कनेक्ट करके हमें यहाँ पे रेस्पॉन्स देते हैं, तो वो फीडबैक कहलाता है। फीडबैक भी टू टाइप्स का होता है, पॉजिटिव फीडबैक एंड नेगेटिव फीडबैक, ठीक है, पॉजिटिव फीडबैक एंड नेगेटिव फीडबैक। इतना डिटेल है नहीं आपके सिलेबस में, फिर भी मैं आपको आइडिया दे देता हूं। तो पॉजिटिव फीडबैक में वर्चुअल ग्राउंड कॉन्सेप्ट यूज नहीं कर सकते। वो कैसे डिसाइड होगा? जब आउटपुट सीधे प्लस से कनेक्टेड रहेगा, नॉन इन्वर्टिंग टर्मिनल से कनेक्ट रहेगा, ये देखिए यहां से आउटपुट पे कोई एलिमेंट मैं कनेक्ट कर दूं, तो ये आपका हो जाएगा किसमें? पॉजिटिव फीडबैक। पॉजिटिव फीडबैक में आप वर्चुअल ग्राउंड कॉन्सेप्ट नहीं यूज कर सकते, ठीक है। तो नेगेटिव फीडबैक में भी आप, नेगेटिव फीडबैक में वर्चुअल ग्राउंड कॉन्सेप्ट यूज कर सकते हैं, लेकिन पॉजिटिव फीडबैक में आप वर्चुअल ग्राउंड कॉन्सेप्ट यूज नहीं कर सकते। एक चीज और, अगर नेगेटिव एंड पॉजिटिव फीडबैक दोनों है तब क्या वर्चुअल ग्राउंड कॉन्सेप्ट आप यूज कर सकते हैं? हाँ, यस। तो आपको मैं बता रहा हूं नेगेटिव फीडबैक का इफेक्ट ज्यादा होगा, तो इसलिए आपका नेगेटिव फीडबैक एंड पॉजिटिव फीडबैक दोनों है तो आप वर्चुअल ग्राउंड कॉन्सेप्ट यूज कर सकते हैं। अगर लेकिन ओपीएम में केवल ओनली पॉजिटिव फीडबैक है तब आप वर्चुअल ग्राउंड कॉन्सेप्ट नहीं यूज कर सकते, ठीक है। तो ये मेरी कुछ इंपॉर्टेंट बातें हैं जो फर्स्ट ईयर कोर्स में तो आपका इसी से काम हो जाएगा, ठीक है। आप समझ गए होंगे क्या क्या कंडीशन है वर्चुअल ग्राउंड कॉन्सेप्ट की या वर्चुअल शॉर्ट की। यहां से मैं पूरा डिस्क्रिप्शन दिया, केस वन बनाया, केस टू बताया, फिर इसका मैंने बताया कि ये कॉन्सेप्ट हम कहां यूज कर सकते हैं, कहां नहीं यूज कर सकते हैं, ठीक है। ये अच्छे कंपटीशन पॉइंट ऑफ व्यू के जो क्वेश्चन बनेंगे उसके लिए इंपॉर्टेंट है। फॉर एकेटिव पॉइंट ऑफ व्यू से आपके हर जगह वर्चुअल ग्राउंड कॉन्सेप्ट यूज होंगे, इसकी ये वैल्यू आपकी प्लस वीसीसी एंड माइनस वीसीसी दिया जाता है। जनरली जो मैं आईसी यूज करूंगा, जो आईसी हम लोग यूज कर रहे हैं, जिस आईसी को मैंने बोला था कि 741 आईसी है, कौन सा 741 आईसी है, 741 आईसी का जो ये मैक्सिमम वोल्टेज होता है प्लस 15 वोल्ट प्रैक्टिकल वोल्टेज, और ये होता है माइनस 15 वोल्ट, क्लियर। तो इसका प्लस 15 एंड माइनस 15 पे प्रैक्टिकल वैल्यू है, ये चेंज भी हो सकते हैं, ये 10 वोल्ट है माइनस 10 वोल्ट, 12 वोल्ट है माइनस 12 वोल्ट, क्लियर। तो ये मैन्युफैक्चरर पे डिपेंड करता है कि ये आपका जो लेबल है प्लस वीसीसी और माइनस वीसीसी कितना रखना है। लेकिन जो आउटपुट वोल्टेज है, ये आउटपुट वोल्टेज कभी भी इससे ज्यादा एक्सीड नहीं कर सकता। अगर इससे एक्सीड कर दिया मतलब सेचुरेशन रीजन में आ गया, सेचुरेशन रीजन में ही आ गया, इसका मतलब आपका वर्चुअल ग्राउंड कॉन्सेप्ट यूज नहीं कर सकते। तो इसका मतलब जो वर्चुअल ग्राउंड कॉन्सेप्ट से आपने आउटपुट कैलकुलेट किया है वो गलत है, फिर से आप उसमें उसको आप कंपैरेटर की तरह वर्क कराइए, ठीक है, फिर इसके बाद फाइनल आंसर निकालिए। तो आज के क्लास में इतना ही, नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे नए टॉपिक के साथ। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।